भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा रतलाम पहुंचे। यहां पर उनके द्वारा महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल के संकल्प पत्र का विमोचन किया गया। इस अवसर पर वीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने यह सिद्ध किया है कि विकासवाद इस देश में परिवारवाद पर हावी है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वहीं चुनावी सरगर्मी के बीच मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा रतलाम पहुंचे, जहां उन्होंने महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल के संकल्प पत्र का विमोचन किया। विधायक चेतन्य काश्यप ने महापौर प्रत्याशी के संकल्प पत्र का वाचन किया। काश्यप ने कहा कि भाजपा की नगर सरकार बनने पर रतलाम निश्चित रूप से नगर से महानगर बनने की ओर अग्रसर होगा। श्री काश्यप ने संकल्प पत्र के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए बताया कि रतलाम को स्वच्छ बनाने के लिए डायल 100 की तर्ज पर एक घंटे में किसी भी शिकायत पर कार्यवाही कर नाले व गंदगी की सफाई सुनिश्चित की जाएगी। रतलाम के अंदर जैसे मैंने कहा कि महानगर बनेगा, ऐसे ही जो जो आवश्यकताएं हैं, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और हम सब लोग तो रतलाम से बहुत प्रेम करते हैं। रतलाम तो हमारा अपना से है। आज मना महानगर बनाने की हमने संकल्प लिया है, तो आपने जो कहा कि जिसकी जरूरत है वो भी रतलाम के अंदर होगा और हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसमें देखिए ये एक इसके अंतर्गत जो चीजें हैं उन चीजों पर हमारे संगठन ने हमारे नेतृत्व ने फोकस किया है। और भी मैंने एक प्रयास किया था कि सभी शहरों में प्रबुद्ध लोगों के साथ, और मैंने तो पत्रकार मित्रों से भी प्रयास किया था कि आपके सुझाव अपने शहर को अपना अच्छा शहर बनाने के लिए क्या है, वो सुझाव भी सम्मिलित हो सकते हैं। आज इस पर्टिकुलर विषय लेकिन आपको लगता है कि इसमें चार सुझाव चाहिए, उन सुझावों को एक्सेप्टेंस लेकर के महापौर के प्रत्याशी है आज का वो महापौर बनेंगे भाई प्रहलाद, तो आपके साथ संवाद करके इन बातों को भी जरूर बात करेंगे। और प्रहलाद जी करना है मेरे पत्रकार मित्र और समाज के प्रबुद्ध लोग जिनको सिटीजन फोरम का भी कहते हैं, दुनिया के अंदर कई देश ऐसे हैं जहाँ सिटीजन फोरम जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं होता है, लेकिन डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो काम में लगे हैं सब, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट से चुनाव लड़ती है और टीम स्पिरिट से ही हम चुनाव लड़ते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और पिछली बार सीएम साहब जून में प्रतिदिन पानी देने को पूरा होगा ना। देखिए एक चीज और सुनो, आप 25 करोड़ का प्रावधान किया है, विधायक जो चीजें कह रहे हैं वो तो सब होगी ही। पानी के बारे में तो केंद्र की सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय बना करके हर घर को जल हर घर को नल 2023 तक ये हमारा संकल्प है। और रतलाम के अंदर जो पानी की और व्यवस्था है वो जो आवश्यकता वो भी हमारी सरकार कर ही रही है और जो जरूरतों को भी करेगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर नगर निगम का चुनाव लड़ेगी और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। स्वागत करता हूं आप सबका, हृदय से अभिनंदन है। अभी ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो भारतीय जनता पार्टी की मूल ताकत है, सभी हमारे तदेव और उनके आधार पर हम चुनाव में जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी मूल ताकत हमारा कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बहुत उत्साह के साथ उमंग के साथ अभी संपन्न हुआ है। मैं रतलाम के हमारे सभी नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई देता हूँ, उन्होंने जो हमारा संकल्प पत्र जारी किया है उस संकल्प पत्र के अंदर हमारे सभी वरिष्ठों ने मिलकर के तय किया है कि जिस रतलाम को विकास की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों में और रतलाम के अंदर लगातार हमारे महापौर के स्थान पर जिन लोगों ने काम किया है उन सब लोगों ने मिलकर के जो निर्देशा विकास को दी है, आगामी समय में जो एक टैगलाइन हमने दी है कि विकास की यही रतलाम बचेगा।
और रतलाम को बड़ा कनेक्टिविटी दिल्ली से लेकर सीधे मुंबई और सारी बातें, मुझे लगता है कि जो कॉरिडोर जो बन रहा है उस कॉरिडोर का रतलाम भी बड़ा एक हिस्सा बनेगा और देश के महानगर के तौर पर जो संकल्पना इस संकल्प पत्र में हमारे सभी नेतृत्व ने किए, मैं उन लोगों में एक बार बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। उनका जो विजन है हमारे नेतृत्व का, चाहे माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर, महापौर के प्रत्याशी, हमारे सभी पार्षद, पूर्व महापौर, जिन सब लोगों ने मिलकर के तैयारी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। इस चुनाव में आज भी जो वोट जिस प्रकार से जनता का समर्थन अपार स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, विकास के मुद्दे पर लोग आज इस मध्य प्रदेश के अंदर वोट कर रहे हैं, क्योंकि चाहे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, यहाँ गरीबों के जनता के कल्याण को लेकर के, गरीबों का जीवन बदलने की दिशा हो, हर प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में विकास का एक नए आयाम जो स्थापित किए हैं उनको और ताकत देना है। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ मेरे सभी मतदान मित्रों से कि जो माहौल मध्य प्रदेश के अंदर बना है, 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी इस बार पुनः ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीते, और पुराने जो हमारी जीत हुई है उससे और ज्यादा ताकत के साथ जीते। तो मैं ये बड़ी गंभीरता के साथ इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ कि इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस प्रकार से काम किया है, चाहे स्थानीय निकाय का हो, नगर पंचायत होगी, नगर पालिका होगी या नगर निगम होंगे, उन सब में नवीन निकाय चुनाव में क्या इम्पैक्ट रहा। पहली बात, आपके स्टार प्रचारक जो है ओबीसी आ चुके हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह वाले चुनाव में नहीं दिखे, क्या कहना? क्या हमारे स्टार प्रचारक, देखिए उदयपुर और अमरावती जैसी घटनाएं इस देश के अंदर कब तक होती रहेंगी जब तक इनको पोषित करने वाले, संरक्षण देने वाले राजनीतिक लोग खड़े रहेंगे। मैं रतलाम के अंदर इस बात को गंभीरता से ले रहा क्योंकि इस प्रकार से विचार से जो पोषित लोग हैं, आप मुझे बताइए कि ये कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने वाले लोग जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, हमारे सैनिकों का बदला लेने के लिए हमारी सेना जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करके आती है, पूरा देश इस बात के लिए उत्तेजित होकर के खड़ा होता है और सेना का सम्मान करता है, लेकिन कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। उदयपुर की घटना के अंदर मैं कहना चाहता हूं, उदयपुर की घटना के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा? ये तालिबानी प्रवृत्ति इस भारत के अंदर, जब इस भारत के अंदर आतंकवाद समाप्त हो गया है, तो ये तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अमित शाह जैसा देश का गृहमंत्री है, ऐसे तालिबानी प्रवृत्ति पनपे नहीं रही। लेकिन आज इस देश के अंदर एक एक जो देशभक्त नागरिक है, जो देश का नागरिक है, जो देश के लिए काम करना चाहता है, देश के बारे में सोचता है, एक एक व्यक्ति को सजग प्रहरी बनना पड़ेगा, तब इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग इस देश में समाप्त होंगे। महाराष्ट्र में क्यों बनी और महाराष्ट्र में सरकार बदल गई तो एक्सपोज हो गई कि वहां भी यही हुआ था। ये इस प्रकार के कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों का फूट डालो, अंग्रेजों की जींस है, कि आज भी इस देश के अंदर मैं गंभीरता से कह रहा हूं, अध्यक्ष होने के नाते से कह रहा हूं, इनके खून में आज भी है, यही काम करना चाहते हैं देश के अंदर। इसलिए इनको जब तक गांधी जी ने कहा था कि जब तक कांग्रेस समाप्त नहीं होगी तब तक इस देश के अंदर ये चीज चलता रहेगा, अब ये शुरुआत नहीं, ये अंतिम समय की ओर है। अप्रासंगिक हो गए, आज कांग्रेस अस्तित्व खो रही है, इसलिए ये सारी चीजें इस देश के अंदर हर नागरिक को सजग रह करके इस प्रकार की प्रवृत्ति को समाप्त करना। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, सांसद गुमान सिंह डामोरा, पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैया लाल मौर्य, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रतलाम से अजय बौरासी की रिपोर्ट।